प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोंतड़ा में कोविड 19 वैक्सीन के पहले चरण का टीकाकरण हुआ। इसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। 23 जनवरी को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस वैक्सीन की डोज दी गई थी, लेकिन कुछ कर्मचारी इससे वंचित रह गए थे, जिन्हें आज वैक्सीन दी गई। आज 70 कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ। इसके अलावा बचे हुए अन्य कर्मचारियों को अगले चरण में टीकाकरण होगा। पीएचसी चोंतड़ा के एमओ डॉक्टर विजय धीमान ने कहा कि यह एक सुरक्षित व जीवन रक्षक वैक्सीन है तथा सभी को इसका उपयोग करना अनिवार्य है। इससे कोई भी खतरा नहीं है व अफवाहों पर ना जाएं। चोंतड़ा में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जो कोरोना वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्करों के लिए लगाया जा रहा है, ये दूसरा सेशन यहाँ लगाया जा रहा है। पिछला 23 तारीख को हुआ था और इसमें हमारे आज की जो बेनिफिशियरी जो लिस्ट में है वो 100 तक हैं बेनिफिशियरी, और अभी तक 55 को वैक्सीनेशन जो है वो हो चुका है और अभी बेनिफिशरीज आ रहे हैं। तो मेरा यही सबसे हमें लगा है 23 तारीख को स्टाफ को, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आई है वैक्सीनेशन से, बल्कि इसमें हमें प्रोटेक्शन मिलती है। सारे जो हमारे कोरोना का जो डिसीज़ चली हुई है उसकी सीवियरिटी कम होती है और नहीं होता है इसमें जो अगले आने वाले उसमें है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जैसे भी आपका सेशन के लिए या आप वैक्सीनेशन के लिए नाम आए तो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। जो कोविड 19 की जो वैक्सीन है ये भारत द्वारा निर्मित वैक्सीन है और ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है, तो इससे किसी भी लोगों में जो किस तरह की भ्रांति है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी तक हमने एक जो इसका सेशन पहले लगाया था उसमें जितने भी लोगों का हमने वैक्सीनेशन यहाँ हुआ है वो बिल्कुल सही है, और आज भी 50 के लगभग लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ हो चुका है। तो अभी तक सारे लोग बिल्कुल, कुछ घर चले गए 30-30 मिनट का यहाँ समय बिताने पर, और कुछ अभी तक बैठे हैं वेटिंग रूम पे। उज्जवल हिमाचल के लिए चोंतड़ा से अनुज बर्धन की रिपोर्ट।